गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा, किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हुआ वह है राष्ट्रीय अपराध, जाँच कर कार्रवाई करे प्रशासन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल का किया निरीक्षण। 4 फरवरी को आयोजित होने वाले शताब्दी वर्ष की तैयारियों का लिया जायजा। अधूरे कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, प्रधानमंत्री भी वर्चुअल होंगे कार्यक्रम में शामिल, करेंगे चौरी चौरा कांड पर डाक टिकट जारी। गोरखपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा, अयोध्या में शुरू हुआ श्री राम मंदिर निर्माण के नींव की खुदाई का काम, देश की आधी आबादी समर्पण कर रही है निधि, गोरक्षपीठ से मिला 1 करोड़ का महादान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एनेक्सी सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश के 3,42,322 लाभार्थियों को 2,409 करोड़ रुपए का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। जनपद के 10 लाभार्थियों को सौंपा मकान का चाबी। कहा, रोटी कपड़ा और मकान के नारों को हकीकत में बदलने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारी बैठक। रेलवे की भूमि को शहीद पार्क के रूप में विकसित करने के साथ रेलवे स्टेशन को भी विकसित करने के दिए निर्देश। 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बुधवार को लखनऊ हुए रवाना। जाने के पहले गुरु गोरक्षनाथ का लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में बुधवार को मिले मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,362। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 106 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और बेसिक शिक्षा परिषद के जनपद के नव नियुक्त शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में ऑनलाइन विद्यालय के आवंटन के बाद बीएसए द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। कहा, नई ऊर्जा के साथ करें काम, बेसिक शिक्षा को प्रदान करें गति।